सो एवरीवन, दिस इज रोशन फ्रॉम बीएचयूएजी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आईसीएआर स्कॉलरशिप के बारे में, जिसके थ्रू जो है बात करें तो यूजी स्टूडेंट्स को पर मंथ 3000 रुपीज जो है मिलता है, जिनका भी एडमिशन जो है आईसीएआर के द्वारा होता है, मतलब आईसीएआर के सीट्स पे होता है। और आपको पता होगा भी होगा कि आईसीएआर के थ्रू जो है यूजी में 15% जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आईसीएआर द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उनके अंदर जो रिजर्व सीट्स होता है, तो उन सीट्स पे जिनका एडमिशन होता है यूजी में उनको जो है पर मंथ 3000 मिलता है। लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, जिसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है डोमिसाइल फैक्टर। तो हम सारे उन फैक्टर्स को बात करेंगे एक एक करके कि कौन कौन से फैक्टर है, क्या क्या चीजें आपको जो मेंटेन करना है, ताकि एक बार अगर आपको स्कॉलरशिप मिलना भी लगे तो बाद में जो है आपका टर्मिनेट ना हो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कि फर्स्ट ईयर में मिलने के बाद सेकंड ईयर में वो चीजें फॉलो नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं होता है, तो उनका स्कॉलरशिप जो है रुक जाता है। तो सारी चीजें बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर आता है डोमिसाइल फैक्टर। इसके अंदर क्या है कि उन स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप मिलता है जिनका कि एडमिशन आईसीआर के थ्रू तो हो, लेकिन उनका जिस स्टेट का डोमिसाइल हो उस स्टेट के एग्रीकल्चर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं हो। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि जैसे हम बात करें डोमिसाइल, जैसे मान लो कि मेरा जो यूपी का डोमिसाइल है, तो मैं जो है अगर आईसीआर के सीट पे एडमिशन लेता हूँ तो कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं होना चाहिए या यूनिवर्सिटीज नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर का जो कि यूपी में लाइक करता हो। यानी यूपी के किसी भी कॉलेज में मैं एडमिशन कराता हूँ, आईसीआर के भले ही सीट हो, लेकिन अगर यूपी का है तो मुझे जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा बिकॉज मेरा डोमिसाइल जो है यूपी का है। तो इस केस में मतलब ये समझना सिंपल सा है कि आपका जो भी डोमिसाइल है, जो भी आप डोमिसाइल आप फॉर्म में भरे होंगे, जो भी स्टेट भरे होंगे, उस स्टेट में आप यदि एडमिशन लेते हो तो आपको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा आईसीआर के द्वारा। जो पर मंथ 3000 है वो नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको अपने स्टेट से बाहर किसी भी स्टेट में किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है जो कि आईसीआर के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त हो, या फिर काउंसलिंग में जो है वो कॉलेज आपको दिखे, जब काउंसलिंग आप आईसीआर करा रहे हो तो उस कॉलेज दिखे, बस आपके स्टेट का ना हो, तो उस केस में जो है आप एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। सो आई थिंक डोमिसाइल वाला जो फैक्टर है ये सबसे मेन फैक्टर है। तो डोमिसाइल वाला फैक्टर आप सभी को क्लियर रखना है, जब भी आपको आप ये माइंड में करके चले कि जब भी आपको स्कॉलरशिप लेना है तो डोमिसाइल वाला चीजें आपको समझ में आए। अब फिर नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट जो है आपका कि एक बार जैसे स्कॉलरशिप आपको मिलने लगे, जैसे आपका मतलब कि कॉलेज में एडमिशन हो गया, उस केस में वजह उसके बाद क्या है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे फर्स्ट ईयर में आपको जो है मिल गया उसके बाद क्या क्या चीज, ऐसा नहीं है कि हर साल आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है कि अगर फर्स्ट ईयर में मिल गया तो सेकेंड ईयर के लिए आपको फर्स्ट ईयर में जो है आपका सीजीपीए, ओवरऑल बात करें ओजीपीए और सीजीपीए जो है आपका 7+ होना चाहिए। अदरवाइज जो है बहुत सारे स्टूडेंट मैं यहाँ भी देखा हूँ, बीएचयू में बात करें तो बीएचयू के अंदर भी जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि फर्स्ट ईयर में उनका मिला था लेकिन वो सेकंड ईयर में अपना मेंटेन नहीं कर पाए थे 7 CGPA, तो उनका जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, मतलब एक साल मिलने के बाद फिर दोबारा नहीं मिला था। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि क्या मतलब मैं सेकंड ईयर में 7 नहीं लाया लेकिन थर्ड ईयर में जो है 7 CGPA ला देता हूं, तो क्या फिर से मेरा कंटिन्यू हो जाएगा? तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि एक बार अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो आपको फिर से जो है दोबारा नहीं मिलेगा। तो आपको 7 CGPA और OGPA जो है आपको मेंटेन करना है किसी भी आप यूजी लेवल पे जो है एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज के अंदर। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद क्या है और भी जो तीसरा फैक्टर है कि आप यदि आईसीएआर का स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो उस केस में उस समय आपको दूसरा कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लेना है। यानी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं बात करूं यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर जो है यूपी कॉलेज, जैसे यूपी का जो है मंडी परिषद का अलग से स्कॉलरशिप मिलता है जिसके अंदर 36,000 के आसपास जो है साल भर का मिलता है पैसा, तो उसके साथ जो है यूपी स्टेट गवर्नमेंट अलग से जो है स्कॉलरशिप देता है। तो आप यदि आप आईसीआर का स्कॉलरशिप ले रहे हो तो आपको मैंडेटरी आप ध्यान देंगे कि उस समय जो है आप अलग से कोई भी स्कॉलरशिप जो है न लेते हो, तो अदरवाइज जो है अप्लाई करेंगे तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा, फिर जो है ऑफिस जो है इलीगल मतलब आप साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपका बैक नहीं लगना चाहिए, यानी एक तो सीजीपी आपका जो साथ 7, और दूसरा नंबर है कि किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगना चाहिए। बैक इन द सेंस कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए। जैसे फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन हो गया, फर्स्ट ईयर में तो मिलेगा लेकिन एडमिशन के बाद किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी ईयर में आपका बैक लगता है तो उस केस में भी जो है आपको जो है स्कॉलरशिप से मतलब हटा दिया जाएगा, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि आपको जो है यूनिवर्सिटी, जैसे कि आईसीआर के द्वारा मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी आपको जो है पहले अलॉट हो गया, तो आपको उस जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है उसके बाद आप यूनिवर्सिटी फिर चेंज करते हैं, भले ही आईसीआर के अंदर हो या फिर नहीं हो, लेकिन आप चेंज करते हो तो उस केस में भी जो है आपका डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा जो है, या फिर इवन आप सब्जेक्ट भी चेंज करते हो, मान के चलो पहले आपको जो है बीएससी एग्रीकल्चर मिला उसके बाद आप जो है हॉर्टिकल्चर में जाते हो बीएससी हॉर्टिकल्चर में, तो उस केस में भी जो है आपका स्कॉलरशिप जो है रद्द कर दिया जाएगा, तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है। नेक्स्ट इसके बाद की अब इसके बाद है कि कोई भी आपको स्ट्राइक या फिर कोई भी फालतू की चीजें जो कि कॉलेज के अंदर अगर मान लो हो रहा है
या स्ट्राइक का स्टूडेंट्स कर रहे हैं या फिर किसी भी तोड़फोड़ किसी भी चीज का कर रहे हैं उसमें यदि आपका नाम आ जाता है तो उस केस में भी जो है आईसीआर आपका जो है स्कॉलरशिप जो है रद्द कर देगा। सो आई थिंक आप सभी को जो क्लियर हो गया कि आईसीआर स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो कि मैंडेटरी है। सबसे मेन फैक्टर है डोमिसाइल वाला, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है, खास करके जो नीट बैकग्राउंड स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो आप इस चीज का जो है बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। और जो है दूसरा चीज कि किस तरह से जो है इसके अप्लाई करने का, तो देखो अप्लाई करने का आपको टेंशन नहीं लेना, एक बार जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको कॉलेज के अंदर ही बता दिया जाएगा। वैसे हम बात करें बीएचयू के अंदर, तो बीएचयू के अंदर अलग से जो है आईसीआर का नोडल जो है ऑफिस एक अलग से बनाया हुआ है, उसके अंदर सारे प्रोसेस होते हैं, वैसे ही आपको अलग से एक फॉर्म मिल जाएगा और स्कॉलरशिप का आईसीआर के, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, एक बार एडमिशन हो जाए तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे। और इसी और भी आपको बैंक अकाउंट को लेके कि बैंक अकाउंट जो है आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपके नाम पे होना चाहिए, ये चीज का भी आप ध्यान देंगे। जब आपको बैंक अकाउंट देने मांगा जाएगा तो वहां पे भी आप ध्यान देंगे कि आपका आधार कार्ड से वो लिंक हो। सो आई होप कि आपके सारे जो भी स्कॉलरशिप को लेकर डाउट्स है आईसीआर के स्कॉलरशिप को वो सारे जो है क्लियर हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।